नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। मैं हूं दशरथ आगर। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा जुगाड़ लेके आया हूं जो आपके रात में आपकी फसलों की आसानी से रक्षा भी करेगा और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। इस जुगाड़ की सहायता से आप अपनी अफीम की फसल हो चाहे गेहूँ की फसल हो, आसानी से उसको नीलगाय से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखें। और चैनल पर नए हो तो नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये हमारे अफीम का प्लॉट है और हम यहाँ पर निरंतर नीलगाय से परेशान रहते हैं क्योंकि इसकी रक्षा के लिए हमें कोई और उपाय नहीं कर रखा है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि तीनों लकड़ियाँ बांध रख दी हैं, इससे इस तरह तीनों लकड़ियों को हमने बांध दिया अच्छी तरह से एक साथ और उस पर हमने एक धागा लटका दिया। इन तीनों लकड़ियों को एक साथ बांधकर उस पर एक धागा लटका दिया। उसके बाद हमने इस पर एक टॉर्च को टेर दिया। हाँ जी हाँ किसान भाइयों, टॉर्च जो हम नॉर्मल उपयोग में लाते हैं उसको हम बैटरी जैसे बैटरी को इसमें हमको हमने टेर दिया। इसके बाद बैटरी क्या करती है कि जैसे भी हवा आती है ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमती हैं, तो इसको हम चालू कर रख देते हैं। तो जैसे ही हवा आती है चारों तरफ घूमती है तो दिन में तो इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो हवा के कारण चारों तरफ घूमती हैं, तो उससे क्या होता है कि इसका रोशनी जिस तरफ जाती है तो वहाँ नीलगायों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और हमारी रखवाली कर रहा है। तो इसे नीलगाय इसके आसपास आने से डरती हैं। तो आप इस जुगाड़ को बिना खर्चे में बना सकते हैं। आपको तीन लकड़ियाँ लाना है, उसको अच्छी तरह एक साथ बांधकर उस पर एक धागा लटकाना है और उस पर एक टॉर्च को टेर देना है, तो टॉर्च हवा के साथ घूमती रहेगी। तो इस तरह आपको जुगाड़ बनाना है और हम रात अब चलते हैं, रात होने का इंतज़ार करते हैं और रात में हमें किस प्रकार दिखाई देता है तो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊँगा। तो रात हो चुकी है, हम आप अपने खेत पर आ चुके हैं, ये हमारी अफीम है। तो आपको वो वहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर कोई इंसान नहीं, जो हमने आपको दिन में जुगाड़ बताया था वही वो जुगाड़ है। चलिए उसके पास चल के देखते हैं कि ये हमें किस तरह दिखाई देता है। और देखिए आप कि लगभग यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई खड़ा है। इसको देख के इसके पास में कोई भी जंगली जानवर नहीं भटकेगा क्योंकि आप सीधे स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे कि किसी व्यक्ति को खड़ा कर रखा है ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पर टॉर्च टेरी थी, वो हवा के साथ घूम हवा के कारण चारों ओर तरफ घूम रही हैं, ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर रखा है। तो उसके पास चल के देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो आप देखिए चारों तरफ घूम रही हैं, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। ये हमारा जुगाड़ है जो हमने आपको बताया था कि इस तरह ये जुगाड़ बनाना है आपको और अच्छी तरह काम भी करेगा। देखिए ये टॉर्च हमने लटका रखी है लकड़ियों के सारे जो चारों तरफ घूम रही हैं, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं है। ये क्या होता है कि हवा के साथ चारों तरफ घूमती है, ये आप देख सकते हैं आसानी से कि धीरे धीरे हवा के कारण घूम रही हैं। इससे क्या होता है कि जंगली जानवर जो रात में खेत पर आ जाते हैं वो यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और हम पर निगरानी रख रहा है, तो वो क्या करते हैं कि हमारी फसल के आसपास नहीं आते। तो इससे हमारी फसल की अच्छी तरह रक्षा भी होती है और फसल हमें आसानी से बचा सकते हैं। इसमें हमें कुछ खर्चा भी नहीं आता है क्योंकि टॉर्च हम घर से ले आते हैं और लकड़ियां लाकर हमें इसको टेर देना है अच्छी तरह से जो चारों तरफ हवा के कारण घूमती रहती हैं, तो हमारे खेत की अच्छी तरह रखवाली होती है। बिना खर्च का यह तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, एक बार इसका उपयोग ज़रूर करें क्योंकि इसमें आपको किसी दवाई का उपयोग नहीं करना है। आपके अपने घरेलू सामान में आसानी से यह सामान मिल जाते हैं और उसका उपयोग करना है। आप देखिए कि मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ कि ये टॉर्च अपने आप घूम रही हैं और ये हमारी अफीम का प्लॉट है और इधर भी हमारी अफीम है। तो ये देखिए टॉर्च अपने आप घूम रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को खड़ा कर रखा है। तो देखिए और मैं पास चल के दिखा देता हूँ, यह रही टॉर्च जो हवा के कारण घूम रही हैं। देखिए तो दूर से जाके ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति को खड़ा कर रखा है। तो यह तरीका बहुत ही अच्छा है, एक बार इसका उपयोग करें। तो इस वीडियो में इतना ही, बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि वो भी ऐसे तरीके अपनाकर अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचा सकें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।